इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीच एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, कश्मीर के सोपोर में आतंकी हमला हुआ है। यह अटैक पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर हुआ है। इस हमले में एक सिविलियन के भी घायल होने की खबर आ रही है। कश्मीर के सोपोर में ये आतंकी हमला किया गया है। इस हमले में एक सिविलियन के घायल होने की खबर आ रही है। ये हमला आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम पर किया था। एक जगह नाकाबंदी की गई थी, चेक पोस्ट बनाई गई थी, वहां पर यह हमला किया गया और हमला करने के तुरंत बाद आतंकी यहां से फरार होने में कामयाब हो पाए। हालांकि पुलिस की और साथ ही सीआरपीएफ की टीम भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। संवाददाता मंजूर मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। जी मंजूर, आपके पास और क्या डिटेल्स? तो देखिए मीनाक्षी, अब से थोड़ी देर पहले नगर से करीबन 55 किलोमीटर दूर बारामूला जिले के सोपोर के आरमपुरा इलाके में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर जो है हमला किया है। इस हमले में बताया जा रहा है कि एक सिविलियन और एक पुलिस जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुआ है। और इस घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया है और पूरे इलाके के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील कर दिए और फरार मिलिटेंटों की तलाश जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है। निस्संदेही बताया जा रहा है कि जो सिविलियन है उसकी डेथ हो गई है और पुलिस कॉप की भी डेथ हो गई है, लेकिन अभी ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन नहीं हो रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मिलिटेंट जो है स्पॉट से आगे निकलकर जो है दूसरे इलाके में घुसे हैं, जहां पर सर ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। जी, आतंकियों की संख्या कितनी हो सकती है अभी तक की जानकारी के मुताबिक? हमलाक्षी से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दो मिलिटेंट थे जो बताया जा रहा है कि बाइक से सवार थे और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज की जो नाका पार्टी होती है उस पर दूर से ग्रेनेड फेंका और उसके बाद कुछ फायरिंग भी की, जिसके नतीजे में एक पुलिस कॉप और एक सिविलियन जो है वो गंभीर रूप से वहां पे घायल हुए हैं। जो उस रास्ते से सिविलियन चल रहे थे उनमें से जो है तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जो खबर मिल रही है कि एक पुलिस कॉप और एक सिविलियन की डेथ हो गई है, लेकिन ऑफिशियली अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। आसपास के जितने भी एरिया जो रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं वहां पे सारे जो है नाकाबंदी कर दी गई है और एक जॉइंट ऑपरेशन अभी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, हमले में एक सिविलियन और एक पुलिस के जवान के घायल होने की खबर है और बहुत ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और अभी अभी ये जानकारी मिल रही है कि हमले में 3 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आंकड़ा, ये संख्या कुछ बदली है मंजूर? बिल्कुल, घायलों की संख्या ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो अभी ऑफिशियली जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक पुलिस कॉप और एक सिविलियन जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मंसूर, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर कुछ और डिटेल्स के साथ लौटेंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।